दोस्तों, सैनिटाइजर एक ऐसा लिक्विड जिसे हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं बिना पानी के साबुन के। हम इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसे यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, इसका सबसे पहले आविष्कार कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सबसे पहले आविष्कार 54 साल पहले 1966 में अमेरिका के राष्ट्र कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड शहर में रहने वाले एक महिला ने किया था, जिसका नाम लूप फर्नांडिस था। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि लूप फर्नांडिस कोई साइंटिस्ट ना होके बस एक नर्सिंग की छात्रा यानी कि स्टूडेंट थी। एक दिन अचानक उनके दिमाग में आया कि किसी मरीज के पास जाने से पहले और जाने के बाद अगर हाथ साफ करने हो गए तो साबुन और पानी ना हो तो क्या होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो साबुन से कुछ अलग हो और बिना पानी के भी काम कर सकता है, साथ ही उसके इस्तेमाल से कीटाणु भी मर जाए। ऐसे में उन्होंने एक अल्कोहल युक्त जेल बनाया, पूरी दुनिया को जरूर फायदा पहुंचा रहा है। आपको लूप हर्नांडिस की कामयाबी कैसे लगी?